नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा लीजिए। यूपी में लोकसभा चुनाव के दौरान सोशल साइट्स के दुरुपयोग और इंटरनेट पर आपत्तिजनक कंटेंट के प्रसार को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बड़ी पहल की है। पुलिस विभाग की ओर से सोशल साइट्स पर किसी भी अवैधानिक सामग्री के प्रसार को रोकने और इसकी जानकारी देने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। पुलिस विभाग ने इस नंबर पर आई शिकायतों पर कार्रवाई और सोशल साइट्स की निगरानी के लिए सोशल मीडिया कंप्लेंट सेल बनाई है। यूपी पुलिस की ओर से बनाई गई इस नई सेल के लिए साइबर क्राइम के एसपी सुभाष ढूले को नोडल ऑफिसर बनाया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार को रोकने और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। पुलिस विभाग की ओर से जारी नंबर 9797101616 पर कोई भी शख्स सोशल मीडिया पर पोस्ट हुए आपत्तिजनक कंटेंट की शिकायत दर्ज करा सकता है। लोग इस नंबर पर टेक्स्ट मैसेज, वीडियो क्लिप या स्क्रीनशॉट के जरिए अपनी शिकायत भेज सकते हैं। डीजीपी ओपी सिंह खुद करेंगे मॉनिटरिंग। विभाग ने यह पहल चुनाव के दौरान धार्मिक उन्माद फैलाने, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने, किसी की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने और दुष्प्रचार को रोकने के लिए लोगों से सोशल मीडिया पर सहयोग की अपील की है। विभाग के मुताबिक इस व्हाट्सएप नंबर की मॉनिटरिंग का काम खुद डीजीपी करेंगे और जो भी शिकायतें इस नंबर पर आएंगी उन पर त्वरित कार्रवाई कराई जाएगी। बता दें कि यूपी में इस बार 7 चरण में लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए यूपी पुलिस अन्य एजेंसियों के साथ सुरक्षा इंतजामों को पुख्ता करने में जुटी हुई है।